वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पेपर में सवाल बहुत आते हैं और टॉपिक का नाम है कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है कांग्रेस के अधिवेशन। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हर साल कांग्रेस के दिसंबर के महीने में अधिवेशन हुआ करते थे और ये अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, भारतीय समाज से संबंधित, तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ है 1885 में, यानी जब कांग्रेस बनी है उसी समय पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बम्बई में हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि अध्यक्ष है इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखना WC बनर्जी इनको बोलते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। पहला है तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कितने लोग शामिल हुए हैं, ये भी पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, दूसरा अधिवेशन हुआ है साथियों 1886 में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, पहली बार कर रहे हैं 1886 में, दूसरी बार करेंगे 1893 में और तीसरी बार ये अध्यक्षता करेंगे साथियों, तीसरी बार ये अध्यक्षता करेंगे 1906 में। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी 1886 में, 1893 में और 1906 में। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना की और दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, ये है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ है साथियों 1887 में, मद्रास में हुआ है ये और अध्यक्ष है इसके बद्रुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बद्रुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। इससे पहले कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान हो वह कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। पहले मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो हैं बद्रुद्दीन तैयब जी। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथ में चला गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर दूँ, वो है ये कि अब तक जो कांग्रेस को बनाने वाले व्यक्ति हैं, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस अंग्रेजों के सहयोग से बनी है, लॉर्ड डफरिन के सहयोग से बनी है। तो पहला अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन में कांग्रेस का साथ दिया अंग्रेजों ने, लेकिन 1887 के मद्रास अधिवेशन के होने के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब यह हमारे एजेंडे पे काम करने वाली संस्था नहीं रही है। इसीलिए मद्रास अधिवेशन के बाद ही कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया लॉर्ड डफरिन ने, बेसिकली अंग्रेजों ने, और वो हर संभव प्रयास किया जिससे कांग्रेस को समाप्त किया जा सके। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 14 अधिवेशन हुआ है 1888 में इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूल। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले यूरोपियन अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और इलाहाबाद में ये जिस जगह पर एक्चुअल में अधिवेशन होने वाला था वो जगह जो है अंग्रेजों ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जिससे अधिवेशन ना होने पाए। तब दरभंगा के राजा ने इलाहाबाद में एक पूरी कॉलोनी को जो है किराए पर लिया, बेसिकली खरीद लिया, और वो जगह जो है कहलाई फिर दरभंगा कॉलोनी के नाम से, और फिर वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैं जब इलाहाबाद में था तो मैंने इसको देखा और काफ़ी ऐतिहासिक है ये, और वाकई में इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। आगे बढ़ते हैं, 5वां जो है ये है 1889 में बम्बई अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हैं सर विलियम वेडरबर्न, याद रखना। 6ठा अधिवेशन हुआ है 1890 में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष हैं सर फिरोज शाह मेहता। 7वां अधिवेशन हुआ है 1891 में नागपुर में, जिसके अध्यक्ष हैं पी आनंद चारलू। 8वां अधिवेशन हुआ 1892 में इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये वही है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर रह चुके हैं, ध्यान रखना 1885 में और 1892 में। आगे बढ़ते हैं,
नौवां अधिवेशन हुआ है 1893 में, लाहौर में अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। दसवां अध्यक्ष हुआ है 1894 में मद्रास में, अल्फ्रेड वेबिस के अध्यक्ष हैं। ग्यारहवां अधिवेशन हुआ है 1895 में पूना में, जिसके अध्यक्ष हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बारहवां अधिवेशन हुआ है 1896 में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष हैं रहीमतुल्ला सयानी। इम्पोर्टेंट बात यह है साथियों कि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, सबको पता है, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये भी याद रखना कि इसको गाया किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। वंदे मातरम जो आगे चल के भारत का राष्ट्रीय गीत बना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि पहली बार कब गाया गया, ठीक है, तो आप जवाब देंगे कलकत्ता अधिवेशन 1896। तो आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के वीडियो में हम और जो है अगले अधिवेशन देखेंगे और छोटे छोटे दो तीन वीडियो बना करके मैं ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है समाप्त कर दूंगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।